यूपी पुलिस की तर्ज पर एमपी पुलिस भी लगातार एनकाउंटर को अंजाम दे रही है। लगातार पुलिस सैकड़ों जंगली जानवरों को बेरहमी के साथ काटने वाले और पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाले शिकारियों का शिकार जंगल में कर रही है। एमपी पुलिस ने अब तक नौशाद, शहजाद, कानू खान, जिया खान को मौत की नींद सुला दिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार कानू खान और जिया खान को लेकर हथियार और शिकार किए गए हिरण की बरामदगी के लिए सरकारी कार में बैठा कर के द्वारा बताए गए स्थान पर जा रहे थे कि अचानक पुलिस वाहन के रास्ते में ग्राम भोड़नी की घाटी के पास पहुंचते ही आरोपी सानू खान के द्वारा अचानक पुलिस वाहन की स्टेयरिंग को मोड़ दिया, इससे कार अनियंत्रित हो गई, रोड से नीचे उतरकर पलटते पलटते बची। तभी दूसरे आरोपी जिया खान ने थाना प्रभारी बजरंगड़ उप निरीक्षक अमित अग्रवाल की शासकीय पिस्टल को छीनने का प्रयास किया। इस झूमा झटकी में उप निरीक्षक अमित अग्रवाल और ड्राइवर आरक्षक दीपक ओझा घायल हुए। इस संघर्ष के बाद दोनों आरोपियों ने पुलिस जीप से कूदकर भागने का प्रयास किया। उन्हें रुकने के लिए पुलिस बल के द्वारा चेतावनी दी गई। पहले हवाई फायर किया गया लेकिन वह रुके नहीं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के पैरों में गोलियां मारकर शॉर्ट एनकाउंटर किया। और मुश्किल पुलिस टीम के द्वारा आरोपी सानू खान और जिया खान को दबोच लिया गया। पुलिस के द्वारा दोनों आरोपियों को प्राथमिक उपचार के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अरोन लाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। साथ ही घायल उप निरीक्षक अमित अग्रवाल और चालक दीपक ओझा भी इलाज के लिए भर्ती हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा लगातार जंगलों में सर्चिंग की जा रही है। आदर्श न्यूज के लिए गुना से पत्रकार रणधीर चंदेल की रिपोर्ट। हाँ, जब भाग रहे थे तो फरार स्थिति में गोली ही चलाना पड़ी और जो अपराध किया गया है वो क्षमा के लायक नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस तक की जांच की जाएगी अगर वो बंदूक इलीगल थी या लीगल थी। अगर लीगल थी तो उनके लाइसेंसों की रिकमेंडेशन किसने की? विकास दुबे की कहानी, विकास दुबे की कहानी इस कहानी में फ़र्क है, उसको उसका आप उसको रिलेट मत करिएगा। और जहाँ तक कांग्रेस की ट्वीट की बात है, किसी ने मुझे खाने पे बुलाया और वहाँ अगर 10 आदमी स्वागत के लिए खड़े हैं जिनको मैं जानता नहीं, तो इसको दिवाली अपन ही कहेंगे ना कांग्रेस पार्टी के लोगों का। जयवर्धन सिंह जी और आदरणीय राज साहब बोल दें, एक बार घोषणा कर दें कि नौशाद से, शहजाद से या बबलू खान से कोई संबंध नहीं था। आज एक घटनाक्रम में जो पुलिसकर्मियों के साथ हत्या करने वाले जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर जिया और सोनू को गिरफ्तार किया गया था। उस गिरफ्तारी में उन्होंने एक सूचना मेमो दिया था जिसके तहत उनके द्वारा ये बताया गया था कि जानवर के कुछ पार्ट्स शरीर के और हथियार मालोनी के जंगल में है, आरोन के पास जो जंगल है वहाँ पर है, वहाँ पर शासकीय वाहन से उनको ले जाया जा रहा था सुरक्षा पर्याप्त सुरक्षा के साथ। परंतु एक घाटी का एरिया आने पर जो जिया है इसने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाने का प्रयास किया जिससे गाड़ी डगमगाई और एक तरफ उतर गई। इसके बाद इसने भागने का प्रयास किया, दोनों भागे, जैसे ही गेट खुला तो इन्होंने दोनों ने भागने का प्रयास किया और जैसे ही ये भागने लगे तो पुलिसकर्मियों ने दोनों के पीछा किया। काफ़ी पीछा करने पर ये नहीं रुके, पुलिस द्वारा उनको चेतावनी दी गई कि वे रुकें परंतु वे नहीं रुके। तो उसके ऐसी स्थिति में आकस्मिक स्थितियां ऐसी हो गई थी, गंभीर मामलों के अपराधी थे, पुलिस द्वारा फायर किया गया तो इसमें उनको पैरों में गोली लगी जिससे कि वो पुलिस के नियंत्रण में आ सके। अभी वो ठीक हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। इस पे इस प्रकार का कृत्य उनके द्वारा जो किया गया है उस पे से 353, 332, 224, 393, 186 IPC के तहत प्रकरण आरोन थाने में दर्ज किया गया है और इसकी विवेचना अभी की जा रही है। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में? हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।